मध्य प्रदेश के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुई प्रसूता महिला सुमन की मौत के बाद अब यह मामला सड़कों पर आ गया है। वजह है कि इस मामले में ना तो अब तक संबंधित डॉक्टर शीला जैन और पीड़ित परिजनों से मारपीट करने वाले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब यह मामला दिन ब दिन सुर्खियों में आता जा रहा है और इस मामले को लेकर अब शहर की आम जनता और युवा आने वाले गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को प्रसूता महिला सुमन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हजारों लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल बीते दिनों सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रसूता महिला सुमन पटेल निवासी मकरोनिया राजाखेड़ी की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की जान गई है और इसके बावजूद महिला की मौत के बाद संबंधित डॉक्टर महिला को जीवित बताते रहे, यह परिजनों ने आरोप लगाए थे। वहीं अब महिला की 18 दिन की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार इस मामले में राजनीतिक संगठन और समाज के लोग सहित पीड़ित परिवार लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा है। बावजूद इसके ना तो अब तक संबंधित डॉक्टर और पीड़ित परिवार से मारपीट करने वाले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज छात्रावास के छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब शहर की आम जनता और युवा पीड़ित परिवार के साथ शहर की सड़कों पर उतरेंगे। युवाओं का कहना है कि अगर आज बहन सुमन पटेल को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय ऐसे ही बहन बेटियों के साथ ये डॉक्टर अत्याचार करते रहेंगे और उनकी जान से खिलवाड़ किया जाएगा, जिसको लेकर आगामी गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को शहर की युवा आम जनता पीड़ित परिवार के साथ खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में एकत्रित होकर 11:00 प्रशासनिक अमले और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। साथ ही युवाओं का कहना है कि अगर जल्द ही संबंधित डॉक्टर और BMC के स्टूडेंटों पर मामला दर्ज नहीं किया गया तो फिर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अंदर ही आंदोलन किया जाएगा। बहू है सुमन पटेल, इसके लिए न्याय दिलाने की पूरी क्षमता और कोशिश, हर दम मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है आगे क्या होगा? मिलेगा न्याय, मिलेगा। जब जनता ने ठाना है तब तक करके दिखाया है, हुआ है। जब बस स्टैंड वापस आया था तो ये तो फिर छोटी सी चीज़ है, जो कुछ डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है, इस चीज़ पे भी न्याय मिलेगा। और काफ़ी टाइम से लोगों ने यहाँ के जो छात्र हैं गुंडा रूपी, इनका बहुत सहन की है, तानाशाही इनकी सहन की है, अब नहीं सहेगा सागर। अगर गुरुवार को कुछ नहीं हुआ फिर क्या रहेगा? कैसे नहीं होगा, फिर जनता के हवाले होगी ना सब चीज़ें, फिर अधिकारियों के पास कोई गुहार नहीं लगाई जाएगी। ठीक। बहरहाल मध्य प्रदेश के सागर की सुमन पटेल को न्याय दिलाने के लिए अब सागर की युवा और सागर की आम जनता सड़कों पर उतर आई है और इस बेटी को न्याय के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। सागर से नफीस खान के साथ राहुल सिंह ठाकुर, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल, भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही छत के नीचे, न्यू खान ड्रेसेस, जहां आपको मिलेंगी समस्त स्कूल कॉलेज की ड्रेस, वो भी मनचाही फिटिंग और उचित दामों पर। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कबाड़खाना, नमक मंडी, कटरा, सागर। फर्स्ट क्राई शोरूम, न्यू बॉर्न बेबी के लिए जरूरत की सारी चीजें अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। BIS अप्रूव्ड प्रोडक्ट, न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग पर पाएं 10% अतिरिक्त ऑफर। पता HDFC बैंक के बाजू में, जबलपुर रोड, मकरोनिया।